नमस्कार दोस्तों, जय माँ विंध्यवासिनी। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, माँ शेरावाली के आशीर्वाद आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज इस राशि के खास वीडियो में आपको बताएंगे, इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। अपने जीवन काल में इस समय जय माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे, बहुत ही खुश होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज के राशिफल के बारे में। इस लड़की को आपके प्यार की प्यास लगी है। जी हाँ दोस्तों, आपके लव लाइफ में इस समय कौन से योग बन रहे हैं? आखिरकार आपके लव लाइफ में वह कौन से ऐसे प्यार के आगमन हो सकती हैं? आखिरकार आपके लव लाइफ में कौन सी ऐसी शुभ घटना व अशुभ घटना होने वाली है, आप सभी को बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके लव लाइफ में एक बार फिर से एक नई प्यार की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी आकर्षक प्यार जिनकी सुंदरता की तारीफ नहीं किया जा सकता है, यह कन्या दोस्तों इस आपकी जिंदगी से आकर्षित हो रही है। आपका प्यार इन्हें आपकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और यह दोस्तों आपसे प्रेम संबंध बनाने के मकसद से आने वाली है। जीवन काल में आपके जीवन काल में दोस्तों इस समय जो प्यार की प्राप्ति होने जा रहे हैं, वह दोस्तों मानो कि आपके लिए कोहिनूर का हीरा है। जी हाँ दोस्तों, उस कन्या की सुंदरता, उनकी गुण, उनके स्वभाव बहुत ही अच्छी है, जिनकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और ऐसी प्यार की तलाश आप सभी कई सारे जातक लंबे समय से शायद कर रहे हैं, लेकिन आप खुद चलकर ऐसे प्यार आपके लव लाइफ में जुड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, इस समय आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी संयोग बन चुके हैं और दोस्तों यह संयोग बता रहे हैं कि इस कन्या से आपकी प्रेम मिलाप होने वाली है। आपको बता दे, यह कन्या इस समय आपके लिए जान हो सकती है। आप इन्हें भले ही नहीं जानते पहचानते होंगे, लेकिन बहुत ही कम समय में इनसे आपकी जान पहचान हो सकते हैं, इनसे आपकी प्रेम प्रसंग जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि यह कन्या आपके प्रति पूरी तरह से इस समय समर्पित हो चुकी है, या दोस्तों आपको पल पल या कहे कि याद करती है। इन्होंने आपको पहले देख चुकी है और अब दोस्तों मुलाकात करते ही आपसे या बातचीत की शुरुआत करेंगे, प्रेम की शुरुआत करना चाहेंगे। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी को विस्तार से सारी जानकारियों के बारे में बताने की प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और जो भी जानकारी बताने जा रहे हैं उसे आप किसी को भी बताएं। तो चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो दोस्तों आज का दिन किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव आ सकते हैं, माता से धन की प्राप्ति हो सकती है, विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, जिनसे रहन सहन आपका कष्टम रहेगा। स्वास्थ्य विकार रहे जिनकी वजह से खर्चों की अधिकता रहेगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। व्यवसाय में सोच समझकर कर विक्रय करें, नहीं तो नुकसान तय है। कुंभ राशि के जातक नेत्र विकार या किसी तरह की एलर्जी से आप पीड़ित भी हो सकते हैं। भागदौड़ के बाद भी नौकरी नहीं मिलने से आप परेशान रहेंगे, लेकिन आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। एक दिन आपके जीवन में वह जरूरी प्राप्त होगा जिनकी चाहत आप करते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर सतर्क रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों की तरफ से उठाए गए कदम से परिवार को कष्ट होगा। जरूरतमंद को अन्न का दान करें, आपके लिए लाभदायक होगा। मां का स्वास्थ्य खराब भी हो सकते हैं। आज के दिन कुंभ राशि वालों के लिए शुभ अंक 4 रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें, इस लड़की को आपके प्यार की प्यास लगी है। इस कन्या को आपके प्यार की आकर्षण आप
आपके करीब ला रही है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताते हैं। ध्यानपूर्वक समझिए दोस्तों, आप कहीं काम करते हैं जैसे व्यापार, बिजनेस, ऑफिस में या कोई भी कार्य करते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात कन्या से आपकी प्रेम मिलाप होने की संभावना है। वह कन्या आपको भले नहीं जानती है, लेकिन वह आपको बहुत ही पसंद कर रही है। वह आपको जब से देखी है, वह दोस्तों अब आपसे अपनी पहचान बढ़ने वाली है। वह कन्या आपसे जान पहचान करने के लिए आपसे बात कर सकती है, वह आपसे कुछ पूछ सकती है, कई बार वह आपसे खुद बातचीत करने पास आ सकती है। वह आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहेगी। वह अकेले में दोस्तों अगर आपको देखती है कहीं भी, तो वहां पर चली जाएगी और प्यार की इजाद भी आपको कर सकती है। सही मौके को देखकर आपसे बहुत ही प्यारी भाषा में बात करेगी और उस कन्या से आपकी धीरे धीरे गहरा रिश्ता हो सकते हैं और प्रेम संबंध बनने की संभावना है। वही उस कन्या के नाम को दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में आगमन करने के लिए पूरी प्रयास करने वाली है। आपके संग प्रेम प्रसंग में जुड़ने वाली है। आपको जीवन काल में बेहद आकर्षक और एक बेमता प्यार करने वाली साथी की तलाश पूरी हो सकते हैं। इस कन्या की आने की वजह से तो आशा करता हूँ दोस्तों आप काफी अच्छी तरह से इन बातों को डोट समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब आपको कुछ अनुमल वाणी बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप ध्यान पूर्वक समझिए। हम सभी के लिए यह बातें काफी जरूरी है और इनसे हमें जीवन में बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो सारी बातों को ध्यान पूर्वक आप समझिए। तो दोस्तों आपको बता दें, एक व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो, आप जैसे ही श्रेष्ठ है। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उनके कर्मों पर चलता है। वह जैसा कर्म करता है उस प्रकार के फल अर्जित वह खुद करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिनके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त में हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं को सही आवाज हमें कराता है। हमें अपने गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होते हैं, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोले होते हैं। याद रहे, तारीफों के फल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बती है। उधार दीजिए मगर सोच समझ कर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, इंसान की भी बड़ी अजीब फितरत है। मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आते हैं जब आप उनके मतलब के नहीं रहते, सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठ बातों को बहुत ही उछलते हैं लोग। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटा निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटा बिसाते हैं लोग। मतलब में बहुत ही ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था यह सुनने के लिए पहले मरना पड़ता। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देते हैं। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुख होता है, मगर बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है, आईने के सामने सहता समरता हर कोई है, लेकिन आईने की तरह साफ दिल रखता कोई भी नहीं है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो, वह दूर और था। जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जब जिंदगी में नए लोग जाते हैं
तो पुराने लोगों कोड़ोट भुला दिए जाते हैं। लोग किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उसी मक्की की तरह है जो सारी खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी से भी कुछ नहीं सीख पाता और ज्ञानी मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उनकी वाणी कड़वी जरूर होते हैं, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता है। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चात रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। लोग आपके पास तभी नहीं आते जब आप दुखी होते हैं, बल्कि वह तब आते हैं जब वह खुद दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती है कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान ल जाए। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समाई रहे उसने बाप को पाला है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसीलिए लोग बोलते हैं जमाना खराब है। एक बात हमेशा याद रखना कि हाथ मिलाने वाली सभी सच्चे दोस्त नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहे हैं तो आप उसे बहुत ही दूर से देख रहे हैं या फिर गुरूर से देख रहे हैं। आप सब सही थे या कोई याद नहीं रखता आप कब गलत थे, यह सबको याद रहता है। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जमा होते हैं, झूठे किसी अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता और कुरान होते हैं। बाप की दौलत से शौक पूरे होते हैं, अपनी कमाई से तो सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। आपका एक झूठ सारी सत्य से किए गए कार्यों को भी शंका के दायरे में खड़ा कर देता है। प्रशंसा चाहे जितना भी कर लो, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। पत्थर में कमी है कि वह पिघलता नहीं, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं है। पैसे की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। गिरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनसे पता चल जाता कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने। यह बात दिमाग में बिठा लो कि जिंदा हो तो निंदा भी होगा, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करते हैं। किसी को गलत समझने से पहले उनके हालात को जरूर समझ लेना। छोटी होती है यह जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती है। वक्त नहीं हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय गिरी हुई सोच के। आपके कर्म ही आपके पहचान बनते हैं, उनकी कृपा से आपके राशि के जातक इस समय धनवान ही धनवान बनने वाले हैं। समाज में सबसे अधिक धनवान बनने वाले हैं आपके राशि के जातक। सोमवार दूध का दान अवश्य करें, आपको बेहद लाभ होने वाला रहेगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वही माँ दुर्गा कोड़ोट श्रृंगार से संबंधित वस्तुएं भी अर्पित कर सकते हैं, इससे भी हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। आपके राशि के जातक का इस समय अनचाहे लोगों से मुलाकात हो सकती है और नया प्रेम की शुरुआत भी हो सकती है। रोमांटिक जिंदगी में बदलाव मुमकिन है। आपको व्यापार में अचानक से धन लाभ का अवसर प्राप्त हो सकता है। जो भी रोजगार कारोबार व्यापार कर रहे हैं उसमें अचानक से आपको धन लाभ हो जाएगा। यह समय आपके लिए काफी रोमांटिक रहने वाला है। आपके जीवन में रोमांस आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। ऑफिस में इस समय किसी बात को लेकर के बहुत से आपको डांट भी पर डांट भी पड़ सकती। लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्य क्षेत्र में पहचानेंगे। आपके कार्य की वजह से ही आपका पहचान में वृद्धि होगा।
किसी मनोरंजन या पर्यटन स्थल पर जाने से आपका मन प्रसन्न होगा, इस समय आप अपने से ही मतलब रखें, अधिक तो बेहतर रहेगा। बेवजह के फालतू लोगों से मतलब कम ही रखेंगे तो आपके लिए अधिक बेहतर रहेगा। आपके राशि के जातक को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से भी ऑफर इस समय मिल सकता है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। प्यार में वादा करने और निभाने का समय आ गया है। इस समय आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लंबे समय से प्यार कर रहे हैं, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समय आप इजहार अवश्य करें। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा, और साथ ही साथ अगर आपका प्रेम से ब्रेकअप हो गया है तो वह दोबारा आपके जीवन में दम रखने वाली है। अगर आपसे बिछड़ करके वह किसी और का हो गया था, तब भी आपसे मुलाकात करने के लिए जरूर आएगी, जिससे आपके मन में खुशियां आएंगी और दोनों के बीच में जो गलतफहमी हुई थी वह भी दूर हो जाएगी। दोनों के बीच में रिश्ता मजबूत होगा, प्रेम संबंध मजबूत होगा, और दोनों एक दूसरे के साथ किसी अच्छे जगह पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। समय काफी रोमांटिक रहेगा। परिवार में खुशखबरी आ सकती है, संतान की खुशी मिल सकती है। इस समय पैसों के लेन देन के लिए बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन आपको निवेश को लेकर के सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय अगर आप रियल एस्टेट या कार खरीदने या किसी भी तरह के स्टॉक को खरीदने का या बेचने का विचार कर रहे हैं, तो इससे जुड़े सभी दस्तावेजों को नोट ध्यान से पढ़ें, अन्यथा भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पुराने दोस्त को पैसों से मदद कर सकते हैं। गलत तरह के लेन देन से आपको बचना होगा, अन्यथा परेशानी खड़ा हो सकता है। अपने काम में बेहतर प्रदर्शन के कारण आपका प्रमोशन हो सकता है। घर में रखी कार को बेचने की सोच सकते हैं। सही जानकारी और विवरण को ध्यान में रखकर यह फैसला लेना है होगा, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं, तो आपको सोच समझकर ही निवेश करना होगा, अन्यथा पैसा डूब भी सकता है। हालांकि बैंक में सोने को जमा करने से अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। इस समय खर्चों से आपका भरा रहने वाला है। इस समय आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने वाला है। परिवार में किसी का तबीयत बिगड़ने के कारण दवाइयों में भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, और इस समय किसी भी तरह के सट्टे में आपको पैसे ना लगाए नहीं तो पूरी जमा पूंजी आप गंवा सकते है। इस समय हालांकि आपको शुरुआत में परेशानी तो कई आए, लेकिन थोड़े ही दिनों में आपको फिर उसी जगह से चमत्कारिक लाभ देखने को मिलने लगेगा, जहां से आपको भारी नुकसान हुआ था। अगर इस समय नए रोजगार कारोबार व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो उसमें आपको शानदार लाभ होगा, और आगे चलकर चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। वहां पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप व्यापारी वर्ग के इंसान हैं, तो आपको फोन कॉल से कोई बड़ी और महंगी डील भी हाथ लग सकती है, जिससे आपको शानदार लाभ होगा, और इतना धन राशि आप कमाएंगे कि पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं पड़ेगा। अगर आप पहले से ही रोजगार कारोबार व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ नहीं हो रहा है, तो उसमें आप इस समय दिन दुनी रात चुगनी तरक्की भी करने वाले हैं। कई क्षेत्रों से आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने वाला है। धन तो आपको आएंगे, लेकिन खर्चों में भी आपके वृद्धि होने वाले हैं, इसलिए आपको वजह के खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ इस समय आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आप बेवजह किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, अन्यथा आप खुद के ही बातों में उलझ सकते हैं और परेशान भी हो सकते हैं, और इस समय कुछ लोग आपके पास
आएंगे और आपको भटकाने का प्रयास करेगा, आपको बहका का प्रयास करेगा, तो किसी और के बातों में ना आए जो आपका विचार में उचित लगे वही करें। इस समय आप सिर्फ अपने आप से मतलब रखेंगे, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, अन्यथा किसी और के बहकावे में आकर के आपका बना बनाया हुआ काम बिगड़ सकता है और जीवन में परेशानी आ सकती है। कुछ लोग इस समय आपको ठगने का भी प्रयास करेगा, तो किसी और के बातों में आपको नहीं आना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इतनी सावधानी रखना है। दोस्तों, अब मैं आपके जीवन काल में कुछ विशेष सावधानी बता रहा हूँ, जिसे ध्यान से समझना है। इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्र में चमत्कारिक लाभ होगा, पैसे भी अत्यधिक आपके पास रहेंगे। उसके बाद आपके अंदर थोड़ी बहुत घमंड में वृद्धि होने वाला है, लेकिन भूल से भी आपको किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करना है, अन्यथा घमंड करेंगे तो आप जिस क्षेत्र में घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपके जीवन में कुछ खास उपाय बता रहा हूँ, जिससे आपको और भी चमत्कारिक लाभ होगा। इस समय अगर आप लंबे समय से आपको लगता है आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को रोज सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना प्रारंभ कर दें। आपका जो कार्य बनते बनते बिगड़ रहा था, वह बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आपको सुबह सूर्य उदय होते समय आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होते समय आपको जल अर्पित करना है, सूर्य देव को जल अर्पित करना है। जल्दी ही नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा इससे उल्टा दोष और पाप लगता है। इसके लिए आप सामने कोई बड़ा सा बर्तन रख सकते हैं या किसी ऊंचे स्थान से सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे जल्दी ही नौकरी लगने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएगी। अगली बात, अगर लंबे समय से आप शादी विवाह का विचार कर रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए पुरुष जातक महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का फोटो का मूर्ति या फोटो का पूजा करें। जल्दी ही विवाह संपन्न होगा और स्त्री को रोज 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा भी मिलेगा। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे, तो मेरा फबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपकी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। आप दोनों की डेटिंग के लिए सहमति भी बहुत जल्दी बन शक्ति है। प्यार की दुनिया में आज आप संभल के आगे बढ़, क्योंकि आज कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है। अगर पिछले दोनों आपको किसी ने धोखा दिया है, तो आप अब उनके बड़े में दोबारा सोच। आज कम के सिलसिले में आपकी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, आपकी और निहारत हुआ कोई नया आदमी मिल सकता है। अपने कम से बिल्कुल हटे की जरूर नहीं है, पर उसमें आप दिक्कत जरूर महसूस करेंगे। अनावश्यक वाद विवाद से बचें एवं जल्दी ही पलट कर अपना रोष व्यक्त ना करें, अन्यथा
यही आपके रिश्तों में तनाव का कारण बन जाएगा। आज के दिन घर में शांति बनाए रखें, वह अपने साथी के साथ मिलकर भरपूर आनंद लेने। आखिरकार आपका प्यार आपके बिगड़े मिजाज को डोट खुश मिजाज बना ही देगा। आज आप अपने रिश्तों को रोमांस से भरपूर पाएंगे, जबकि आप एक लंबे समय से साथ साथ हैं। बच्चों एवं माता पिता की उपस्थित के बावजूद भी आज आप कुछ खास नयापन पाएंगे अपने रिश्तों में। यह आपके रिश्तों की घर राहत का अच्छा सूचक है। इसे प्रकट करने से नहींच के चैता के कारण आप अपने प्रेमी को समय नहीं दे पाएंगे। बटन को बर्दाश्त ना करने की वजह से प्रेमी से झगड़ा हो सकता है। इस समय शांत रहने की जरूर है, सावधान रहे, आपको भी छुट्टी मिल सकती है। आज आपको महत्वपूर्ण फैसला लेने होंगे। एक से अधिक प्रेम संबंध आपको परेशानी में डाल सकते हैं। लव बर्तन आप पर शक कर सकता है, वह आज आपसे कुछ ज्यादा ही मांग सकता है। खूबसूरत दिखने के लिए आप कुछ भी करेगी। आप शादी से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन माँ के सामने किसी का कम नहीं चलेगा। शादी ते हो सकती है, आज माँ उदास रहेगा। धन का व्यय अधिक होगा, अपनी क्षमता का सही उपयोग करें। आज का दिन उत्साह और रोमांस से भरा है। लव पार्टनर के साथ शानदार बिताएंगे। आप अपने पार्टनर को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। आप उसे शादी के लिए अपने परिवार से मिलता सकते हैं। लोग आपके आकर्षण और व्यक्तित्व का सम्मान करेंगे। पति पत्नी के जीवन में परेशानी ये शक्ति है, व्यस्तता के कारण अपने लव पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे। शादीशुदा जोड़ों के बीच कुछ गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। आपसी समझ दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ाएगी। विवाह की इच्छुक जातकों को कुछ कठिनाइयां का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको पहले नजर का प्यार हो सकता है। आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। शादीशुदा जोड़ों के लिए दिन उत्साह से भरा रहेगा। सोशल मीडिया के जारी आप अपनी बात कह सकते हैं। अगर आज आप शर्माते हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। पति पत्नी साथ में रोमांटिक पद बिताएंगे। नई प्रेम संबंधों की शुरुआत जीवन में खुशियां करावेगी। माता का सहयोग आपके टूटे रिश्तों में मजबूती लेगा। किसी छोटी सी बात पर प्रेमी या जीवन साथी से कहां सनी हो सकती है। जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें, तभी रिश्ते में अनुकूलता आएगी। परिवार में पैसों और आमदनी को लेकर तनाव हो सकता है। आज लाभ का दिन है। नौकरी अथवा बस से लाभ मिलेगा। संतान को लेकर चिंतित रहेंगे, उनकी आदतों पर ध्यान दें। लव पार्टनर पर अनावश्यक खर्च होगा। युवा वर्ग अपने रिश्तों में ताजगी लाने के लिए दिलचस्प विकल्पों के बड़े में सोच सकते हैं। प्यार भारी बातें आपसी विवाद कम करेगी। शादीशुदा जातकों के बीच आज बंद की संभावना है। पूरे देश से संबंध दे सकते हैं। यात्राएं अधिक होगी, नए लोगों से मिलन होगा और नए रिश्ते भी बनेंगे, लेकिन नए संबंध बनाते समय सावधान रहें। आज आप किसी को बेहद पसंद भी कर सकते हैं। जींस आपकी दोस्ती लंबी चलेगी। पैसा निवेश करने के लिए उत्तम दिन। प्रेम संबंधों में विश्वास और प्यार बढ़ेगा। प्रेमी की तरफ से अचानक कोई खबर मिल सकती है। जीवन साथी पर विश्वास बनाए रखें। आपके विश्वास की भावना बढ़ते रिश्तों में रुकावट डाल सकती है। प्रेमियों के लिए दिन उत्तम है। प्रेम विवाह की संभावना है। परिवार कोड़ोट लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है। आपसी तालमेल बिगड़ सकता है। घर में आपसे प्रेम बनाए रखना का प्रयास करें। जीवन साथी कोड़ोट अचानक धन लाभ हो सकता है। गलत निर्णय ले सकते का मिलेगा। जीवन साथी के लिए प्रगतिशील दिन है। आज आप प्रेमी पर खर्च कर सकते हैं। अचानक कोई गिफ्ट मिल सकता है। विवाहितों को मित्रों से लाभ मिल सकता है।
प्रमोशन भी हो सकता है। कार्य में व्यस्तता के कारण आप अपने प्रेमी को समय नहीं दे पाएंगे। बटन को बर्दाश्त नहीं करने के कारण प्रेमी से झगड़ा हो सकता है। इस समय जरूर है शांत रहने की, सचेत रहे। आपका ब्रेक भी हो सकता है। आज आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, रखें। माता की सेहत का ख्याल रखें। एक से अधिक प्रेम संबंध आपको परेशानी में डाल सकती है। लव बर्तन आप पर शक कर सकता है। वह आपसे आजादी एक माह कर सकता है। खूबसूरत लगे के लिए आप कुछ भी करेंगे। ससुराल पक्ष के कारण अर्बन हो सकती है। आने वाले समय में मिर्च में वृद्धि होगी। आप विवाह से दूर रहना चाहते हैं लेकिन माता के सामने एक एन चलेगी। शादी ते हो सकती है। माना जो उदास रहेगा धन का व्यय अधिक होगा। आप अपनी क्षमता का सही सदुपयोग करें। लव रिलेशन में कार्य वर्ष दूरियां ए शक्ति है। नए लव पार्टन की तलाश पूरी होगी। बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। आज रोमांचक और रोमांस से भारत दिन है। लव पार्टनर के साथ अद्भुत पद बिताएंगे। आप अपने साथी को डोट इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। शादी के लिए उसे अपने परिवार से मिला सकते हैं। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व का लोग लोहा मानेंगे। पति पत्नी के जीवन में परेशानी शक्ति है। एक दूसरे की जरूर को समझना पर लड़खड़ाते वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा और बीच कुछ गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती है। आपसी समझदारी दाम्पत्य जीवन की मधुरता बढ़ाएगी। विवाह की इच्छुक जातकों को कुछ एक मुश्किलें ए शक्ति है। आज आप अपने प्रेमी को परिवार से मिला सकते हैं किंतु स्थितियां आपके विरुद्ध हो सकती है। आज आपको पहले नजर में प्यार हो सकता है। आज काफी एक्साइटमेंट भारत दिन रहेगा। विवाहित जोड़ों के लिए दिन उमंग भारत रहेगा। आप अपनी बात सोशल मीडिया के जारी कर डालें। यदि आप आज शर्माते हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। पति पत्नी रोमांटिक पल साथ बिताएंगे नहीं प्रेम संबंधों की शुरुआत। जीवन में खुशियां लाएंगी। माता का सहयोग आपके टूटे हुए रिश्तों में सुदृढ़ता लेगी। किसी भी छोटी बात के कारण प्रेमी या जीवन साथी के साथ लड़ाई हो सकती है। जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें तभी रिश्तों में अनुकूलता आएगी। परिवार में धन आमदनी को लेकर तनाव है सकता है। आज लाभ का दिन है। नौकरियां बस से लाभ मिलेगा। बच्चों के प्रति चिंतित रहेंगे उनकी आदतों पर ध्यान दें। लव पार्टनर पर अनावश्यक खर्च होंगे। युवक अपने रिश्तों में ताजगी लाने के लिए रोचक विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। प्यार भारी बात आपसी तकरार को कम करेगी। विवाहित लोगों के बीच आज बन की आशंका है। वे देश से रिश्ता सकता है। यात्राएं ज्यादा होगी। नए लोगों से मिलन होगा और नए रिश्ते भी बनेंगे लेकिन नए संबंध बनाते समय सावधान रहे। आपको आज कोई बहुत ज्यादा पसंद भी आ सकता है जिसके साथ आपकी दोस्ती लंबी चलेगी। नरेंद्र निवेश करने के लिए उत्तम दिन है। लव रिलेशन में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। प्रेमी से अचानक कोई खबर मिल सकती है। जीवन साथी आत्मविश्वास बनाए रखें। विवाह की संभावना बन रही है। आपका एकाकीपन दूर होगा। मित्र या साथी का सहयोग मिलेगा। परिवार के कारण पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है। आपसी तालमेल बिगड़ सकता है। प्रयास करें कि घर में आपसी प्रेम बना रहे। जीवन साथी को अचानक धन लाभ हो सकता है। सोशल मीडिया पर ज्यादा जुराव रहेगा। असमंजस के कारण गलत निर्णय ले सकते रोमांस का मौका मिलेगा। जीवन साथी के लिए प्रगतिशील दिन है। आज प्रेमी के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। अचानक गिफ्ट मिल सकता है। विवाहित लोगों को अपने मित्रों से लाभ हो सकता है। प्रमोशन भी हो सकता है। हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक
करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को रोज सब्सक्राइब कर देना, लेकिन वहां पर भी थोड़ा आपको ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन के कई क्षेत्रों में चमत्कारिक लाभ होगा। आपके जीवन में निखार आएगा, आपके पास पैसों की अपार वृद्धि होगी, पैसों की कोई भी कमी नहीं रहेगी, जिसके बाद इस समय आपको 2-3 प्रेम का प्रस्ताव सामने से आएगा, लेकिन आपको वहां पर थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है। आपको सोच विचार करके सही निर्णय करना होगा, सही चुनाव करना होगा, जिसके बाद आपको शारीरिक सुख मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ एक विवाहित महिला भी आपके पीछे हाथ धो करके पड़ी है। वह आपके करीब आने का प्रयास करेगी, आपसे उन्हें मोहब्बत हो गया है, तो आपको बड़े ही ध्यान से बातों को समझना होगा। तो चलिए मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा कि इस समय कौन कौन से बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और कौन कौन से चमत्कारिक लाभ भी आपको होने वाला है और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी और दिक्कत न आए और आप अपने जीवन में फिर से खुशियों का संचार कर सके और अपने जीवन का सभी सपना भी आप साकार कर सके। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। तो आप आखिरी तक बने रहे इस वीडियो में, उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर ले, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माता रानी जरूर लिख। दोस्तों, आपको बता दूं कि 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा के दिन शुक्र ग्रह अपनी तुला राशि में स्थित रहेंगे, जैसे मालवे राज्यों बनेगा वही कर्म फल दाता शनि भी अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान रहकर सस राज्यों बना रहा है। इन दोनों राज्यों का बेहद शुभ फल तीन राशि वालों को मिलेगा, जिनका किस्मत चमकने वाला है, भाग्य चमकने वाला है, अपने जीवन में सफलता ऊंचाइयों को छू पाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। आपके राशि के लिए लोगों के लिए मालवी राज्योग और सस राज्योग बेहद शुभ फलदायी है। इन दोनों का इन लोगों को करियर में उम्मीद से बड़ी सफलता मिल सकती है, ऊंचा पद प्रतिष्ठा और मिल सकता है। जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें अगर आप जूनियर हैं तो इस समय उसका प्रमोशन अगर होता है उसमें तो आपका प्रमोशन होगा, और इस समय आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपका पदोन्नति के साथ साथ आपका वेतन वृद्धि होगा। आप जो भी कार्य करेंगे, आपके कार्यों की सराहना होगी। इस समय सभी कोई आपके आदेश का पालन करेगा और आपके फैसला का सभी कोई सम्मान करेगा। इस समय बड़े बड़े लोगों के बीच आप बैठ करके लोगों का फैसला करेंगे और सभी कोई आपका फैसला का सम्मान करेगा और सभी कोई आपके फैसले से संतुष्ट रहेगा, क्योंकि इस समय आपके अंदर बुद्धि में भी अपार वृद्धि होने का संयोग बन रहा है। इस समय आपके अंदर चतुराई भरने वाला है। इस समय जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी मिल सकती है। आपके राशि के कोई भी जातक इस समय बेरोजगार नहीं रहेगा। आपके राशि के जातक इस समय छात्र हो या छात्रा हो, अगर लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो उसको इस समय सरकारी नौकरी मिलने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। मन प्रसन्न हो जाएगा और समाज में
मिठाइयां भी बांटने पड़ सकती है आपके साथ साथ आपके घर परिवार का मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा हर कदम पर आपको। किस्मत का पूरा साथ मिलेगा अगर कोई आपके राशि के जातक अपने इच्छा के अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करने का सोच रहा है तो उनको बड़ी सफलता मिलेगा। इंटरव्यू में भी सफलता मिलेगा और इच्छा अनुसार इस समय जॉब मिलेगा। इस समय आपके जीवन में आपका भाग्य आपका किस्मत हर क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक साथ देगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था जिसके वजह से आपको चप्पलें घिसने पड़ रही थी, मामला काफी पैची था, तो वहां पर भी फैसला आपके पक्ष में होगा और कोर्ट कचहरी के मामलों में आप जीत हासिल करेंगे। यह समय आपका इच्छा पूर्ति करने वाला है जिसके वजह से आपका मन में प्रसन्नता छाई हुई रहेगी। आपकी पर्सनालिटी का आकर्षण बढ़ेगा। इस समय आपके सौंदर्य और आकर्षण में काफी वृद्धि होगा जिसके वजह से कई सारे प्रेमी प्रेमिका आपके ऊपर आकर्षण होकर के आपके करीब आने का प्रयास करेंगे। सामने से आपको प्रेम का प्रस्ताव भी करेंगे, अपना प्रेम का इजहार करेंगे, लेकिन आपको सोच समझकर सही निर्णय करना होगा, सही चुनाव करना होगा, अन्यथा बाद में आपको पछतावा हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वहां पर आपको सावधान रहना होगा। जल्दी बाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है, आपको सोच विचार के ही आगे बढ़ना है। हर कोई आपकी ओर खींचा खींचा आएगा। इस समय आपको मनपसंद की नौकरी मिलेगी। इस समय बड़े से बड़े कर्ज को से भी आपको निजात मिल जाएगी। कितने बड़े कर्ज क्यों ना हो, आपके पास उसका कर्ज उतारने के लिए पर्याप्त मात्रा से अधिक धन होगा। झाड़ू ले जाकर मंदिर में दान कर देना चाहिए। झाड़ू के दान से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आय में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। तो दोस्तों, यदि आपके भी जीवन में धन को लेकर समस्या है, आपके आय में बाधा है, तो दोस्तों आप भी किसी शुक्रवार के दिन एक झाड़ू ले जाकर किसी भी मंदिर में दान कर दे। झाड़ू के दान से मां लक्ष्मी की कृपा आपके संगी ऊपर हमेशा बरसेगी। हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जोर। दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को डोंट सब्सक्राइब करके, जो कि दोस्तों तुम्हारे जीवन में आने से आपकी पूरी जीवन ही बदल जाएगा और आप अपने जीवन में पूरी तरह से खुशियां भी बटोरने वाले हैं। आइए, इनका क्या खास मकसद है दोस्तों, यह औरत आने से आपका क्या क्या बदलाव होने वाला है, कौन कौन सी खुशखबरी होने वाले हैं, या फिर कौन कौन सी दोस्तों समस्या उत्पन्न होने वाले हैं। आइए हम आपको अपनी इसी लव राशिफल के माध्यम से सारी बातें बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम आपको बता देते हैं अपने राशिफलों के बारे में। उनसे पहले दोस्तों, आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी से बड़ी परेशानियां आने वाले हैं, कौन सी समस्या उत्पन्न होने वाला है, सारी जानकारी हम अपनी इसी लव राशिफल के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज अपना राशिफल कैसे रहने वाले हैं, अपनी आज का दिन कैसे रहने वाला है, साथ ही दोस्तों अपना आज की प्रेम स्वास्थ्य संपत्ति नौकरी व्यापार लव लाइफ करियर से संबंधित सारी जानकारी दोस्तों आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आपके जीवन में आ रही परेशानियां आपको इसी वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रही हैं। इसीलिए हम आपको बता देते हैं, वीडियो को पूरा अवश्य ही देख लें,
जो कि दोस्तों हम ज्योतिषी द्वारा गणना करके आप सभी तक इस बात कोडोट पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप सब दोस्तों सतर्क और सावधान हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम आपको बता देते हैं कि आज आपके लिए अपने जीवन काल के लिए राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहेंगे। चंद्रमा दोस्तों कौन सी राशि पर संचार करने वाला है, और साथ ही आज सूर्योदय और सूर्यास्त भी कब होने वाला है, हम आपको संपूर्ण तरह की जानकारी बताने जा रहे हैं अपनी इसी लव राशिफल के माध्यम से। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को आज बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख ले। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप सब ऐसे करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें आप सभी कोडों कोई संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों जब तक संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे और अनजाने में गलतियों से दोस्तों कोई गलत कदम उठा लेते हैं, जिसमें आप सभी को बहुत ही बड़ी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। दोस्तों बहुत ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम आपको बता देते हैं अपनी राशि फलों के बारे में, तथा दोस्तों अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। उनसे पहले दोस्तों जिनकी आज बर्थडे है या फिर दोस्तों एनिवर्सरी हो, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों एक अनमोल विचार से, तो किसी ने ठीक ही कहा है दोस्तों, माँ का लाडला तो हर एक बेटा होता है, पर आंसू माँ का लाडला होना बड़ी ही किस्मत की बात है दोस्तों। और मुझे गर्व है कि एक ऐसा माँ का बेटा हूँ जो दामाद जी को भी अपनी बेटा मानते हैं। दोस्तों आप सभी को आज की हमारी इस विचार आने की अनमोल विचार कैसा लगा दोस्तों, अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना ना भूले, और हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे हृदय मन भाव से जय माता काली जय मां भवानी अवश्य, क्योंकि दोस्तों माता काली माता भवानी आज आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली है, सारे कष्ट को दूर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं अपने पंचांग के बारे में। तो आज की पंचांग है दोस्तों 3 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। दोस्तों भद्रा माँ की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि सुबह 6:21 तक रहेंगे, उसके उपरांत दोस्तों प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होने वाला है। और साथ ही आज की नक्षत्र दोस्तों फाल्गुन रात 3:02 में तक रहेंगे, उसके उपरांत दोस्तों अन्य नक्षत्र उपा नक्षत्र प्रारंभ होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज राहु काल यानी कि दोस्तों अशुभ समय रहने वाले हैं। आज दोपहर 3:32 से दोस्तों 5:05 तक आप इस बीच कोई भी शुभ कार्य ना करें, अन्यथा दोस्तों विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। और साथ ही चंद्रमा आज सिंह राशि पर संचार करने वाला है। दोस्तों सूर्योदय सुबह की 6:13 में और सूर्यास्त शाम की 6:38 में होने जा रहे हैं। आइए दोस्तों हम आज आपको बताते हैं अपनी राशि फलों के बारे में, तथा अपने जीवन काल के बारे में, दोस्तों अपने भविष्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज अपने जीवन काल में आपके लिए कार्य और धन की परेशानियां अभी आपके दिमाग को खराब कर सकते हैं। दोस्तों अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कोई छोटी यात्रा करें, अपने रचनात्मक भावनाओं को संतुष्ट करने वाली गतिविधियों को दोस्तों लिखें और
उसमें व्यक्तिगत रहे नए अवसर आए के एक और स्रोत के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं और एक अच्छी मित्रता का रिश्ता बनाने वाला है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ दुश्मन की दोस्त बनेगा। यही रिश्ता को ऊर्जा और कार्य क्षेत्रों कोडोट बढ़ाएंगे। आपको दोस्तों लोगों को उत्साहित और उत्तेजित करने की जरूरत है। दोस्तों और प्रयोजनों के साथ समय बिताना का भी योग्य है। सपना केवल देखने से पूरा नहीं होता बल्कि दोस्तों कड़ी मेहनत से पूरे होते हैं। आइए दोस्तों आज हम आपको बता देते हैं कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ सपना देख लेता है तो उनका सपना पूरा नहीं हो जाता है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और अपने मन लगन से कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपका कार्य अवश्य ही सफल होते हैं और आप जो चाहते हैं वह भी हासिल करने में सक्षम रहते हैं। आइए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक न्यू वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद।